बैल बुद्धि है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज मेरे ब्लॉग का पांचवा दिन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ नांगलोई। कल लाई थी मैं पर्दे, तो उनको एक्सचेंज करने जा रही हूँ। उसने अच्छे नहीं दिए थे, तो मिलते हैं, मार्केट चलते हैं, उसके बाद घर में जो भी करते हैं। कई सामान मुझे वापस करने हैं। ये पर्दे वापस करके आऊँगी। अरे ये गुड़िया तो सारा दिन बस लहंगा पहन के डांस ही करती है। अभी एक बजने वाला है, लेकिन मुझे ना बुखार आ गया था, इसलिए सारा काम अभी करके बस जस्ट मार्केट जा। फिर क्या, मैं घर से निकल गई और बैठ गई बैटरी रिक्शे में। मैं आज मेरे साथ जा रहे थे जूली और दीदी घर से, तो मैं सोच के जाती हूँ कि बस पर्दे चेंज करके मैं वापस आ जाऊंगा और आज कुछ नहीं लूंगी। बट वहां जाके पता ही नहीं क्या हो जाता है, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं। फिर मैं पहुंच गई दुकान पे पर्दे वाले, क्योंकि सबसे पहले मुझे पर्दे का ही काम कराना था। फिर मैंने भैया को थोड़ा सा सुनाया कि भैया आपने मुझे सारे गलत गलत पर्दे क्यों दे दिए। भैया बोले गलती हो जाती, कोई नहीं, आप ये सारे ले लो। फिर मैंने वहां से पर्दे अपने एक्सचेंज किए और कई सारे सामान लिए। आज मैंने मार्केट से क्या क्या खरीदा ये आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा, क्योंकि हर जगह कैमरा अलाउ नहीं होता, तो मैंने कई जगह बनाया वीडियो, कई जगह नहीं बनाया। पर मैंने बहुत सारा सामान खरीदा और दीदी ने भी बहुत सारा खरीदा और जूली ने भी मेरे साथ बहुत सारा सामान खरीदा। चेंज करने आई थी बेड, हमने बहुत खरीद लिया, टेबल के कवर, सोफे का कवर सब खरीद लिया, ये भी बहुत सारा सामान खरीद लिया। सारी शॉपिंग होने के बाद हम मार्केट से निकले। मार्केट से निकलते ही यहाँ पे भैया गुलदस्ते लगाते बहुत सुंदर सुंदर, तो मेरी फिर से मेरा मन हुआ, तो मैंने यहाँ से एक गुलदस्ता खरीद लिया। इस बड़ी सी पन्नी में इतना सारा सामान है, पता ही नहीं चलता आज मैंने क्या क्या खरीद लिया। और फिर मैं घर के लिए निकल। की हालत देखो, इसने तो स्कूल के कपड़े भी नहीं चेंज किए और इतना सारा सामान लाई हूँ मैं। मम्मा मेरा लहंगा। और गुड़िया तो पता नहीं क्या है, बस लहंगा लहंगा। लाइट भी गई हुई है, दीदी आए हुए हैं, बहुत सारा सामान लाई हूँ, थक गई हूँ मैं, कपड़े भी सारे ऐसे पड़े। ये भाभी गुलदस्ता देख रही, सामान देख रही, ओ गोलू की खुशी का ठिकाना नहीं। और इसमें बाबू की पैंट है, ये लाई हूँ मैं, का खोला भाभी। हम आ गए हैं जूस पीने, इसको भी बुखार है, इसको भी बुखार है, मुझे भी बुखार है, फिर भी हम जूस पीने आए हैं, कैसे इंसान है। घर हो या मार्केट, मेरे बच्चे ना हर जगह जिद करने लगे। यहाँ भी गोलू बहुत जिद कर रहा था, कभी पाइप के लिए, कभी बोला था आपने क्यों अंकल को बोला जूस दो, मुझे बोलना था। फिर मैंने गोलू को यहीं पे पीट दिया सबके सामने ही। जूस पीने के बाद मैं पहुंच गई डॉक्टर के पास, क्योंकि हम तीनों को है बुखार, तो मैं सोची क्यों ना पहले दवा भी ले लूं साथ के साथ। और इतनी भीड़ देख के मुझे और बुखार आ गया। फिर डॉक्टर के पास हमारा नंबर आया, मैंने डॉक्टर को बताया इनको बुखार जुकाम खांसी तीनों हो रखा है। डॉक्टर ने बोला ये वायरल चल रहा है, बच के रखो और ध्यान दो। फिर मैंने ली दवा और आ गई मैं अपने घर। ये भेजा है मेरी मम्मी ने गाजर का हलवा और इतना सारा खोया। बहुत दिनों के बाद मैं मम्मी के हाथ का हलवा खाऊंगी। अभी मैं इसको गर्म कर रही हूँ ना, मेरा भाई आया है गाँव से, मम्मी का पैर कट गया था तो मेरा भाई देखने गया था उसको, तो फिर मम्मी ने इतना सारा हलवा और इतना खोया भेजा मेरे लिए। अभी खाऊंगी मैं, गर्म हो जाए, बहुत अच्छा लगता है मुझे गाँव का हलवा, ये खोया। इसकी मैं गुजिया बनाऊंगी, फिर आप लोगों को भी खिलाऊंगी और दिखाऊंगी भी किस किस को गाँव का खोया और हलवा पसंद है, कमेंट करके बताना। खाने जा रही हूँ गाजर का हलवा, ये मेरा, ये गुड़िया का, ये जानू का, चेक करके बताओ कैसा बना है। बहुत दिनों के बाद मैं मम्मी के हाथ का खाऊंगी। सच्ची में गांव का हलवा तो गांव का होता है, कितनी भी मेहनत करके यहाँ बना ले, काजू बादाम डाले, लेकिन वो स्वाद नहीं आता। इसको इतना मैंने दिया है, फिर भी इसको और पूरा चाहिए। मम्मी चालू कैसे करें? इसने अब सेक्स हो रहा है, गांव से आया ना तो थक गया, इसलिए वो सो रहा है। मैं खा लूंगा हलवा। तुम्हें का तुम तो ऑफिस से काम करके आ गए, इतने सारे बर्तन देखो, इतने सारे, हम चार लोग हैं फिर भी इतने सारे बर्तन होते हैं मेरे घर। देखो ये सारे बर्तन, इतने सारा, इतना काम है, भगवान बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ इस काम से। अब कल से मैं ऑफिस जाऊंगी, तुम घर का काम करोगे। हाँ तुम करोगे, बोलो। रात के बज गया 12:30, लेकिन मैंने सोचा मैंने क्या क्या आज मार्केट से खरीदा है ये भी तो आप लोगों को दिखाऊं। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ ये फ्लावर मैंने खरीदा, सबसे अच्छा, मुझे बहुत अच्छा ये लगा, तो ये मैं लाई हूँ 400 रुपए का। अच्छा लग रहा ना, कमेंट करके बताना, महंगा तो नहीं है बट मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टैंड ऐसे इसका रखने का ना, सबसे अच्छा यही मुझे लगा। और बहुत सारी आज मैं लाई हूँ अपने लिए, टी शर्ट ये लाई हूँ, इसके अंदर कुछ वैसा पहन के फिर पहनूंगी, ऐसे पहन के तो अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो एक ये मैं लाई हूँ और इसी का एक ये लाई हूँ। ये नेवी ब्लू है, ये हल्का ग्रीन सा है और इसके आगे ये बटन दी हुई है, इसको हम ओपन भी रख सकते हैं अंदर।
कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताना। और फिर ये मैं लाई हूँ एक ब्लैक कलर की, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। इसका कपड़ा ना इतना अच्छा है बता नहीं सकती, मैं आज बहुत खुश हूँ। 3 दिन से बराबर शॉपिंग कर रही हूँ, 3 दिन से फिर भी जी नहीं भरता, उड़ा रही हो मेरे पैसे। और एक ये टी शर्ट, ये शॉर्ट में है, एक ये लेके आया होगी ये। इनके कपड़ा बहुत अच्छा, ये स्ट्रेचेबल है, इससे मतलब बढ़ती है, आप भी पहनोगे तो आपकी भी हो जाएगी। हाँ मेरे तो पहनवा ही नहीं। और एक ये लाई हूँ मैं, ये ग्रीन कलर की है, ये भी बहुत अच्छी है। कमेंट करके बताना कौन सी आपको ज्यादा अच्छी लगी। 999 रुपए ऑफर में थी, ऑफर में। हाँ बर्बाद करो। और एक ये टी शर्ट, ये तो मुझे लग रहा मेरे बहुत लूज होगी, बट मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं लेके आ गई, है ना। ये 2 दिन पहनो उसके बाद बोलवा वो अच्छी नहीं है, पैसे और बस कुछ दिन, मतलब 1-2 बार तो पहनूंगी, फिर रखी रहेगी, फिर कभी बाद में पहनूंगी, है ना। 500 रुपए 1-2 दिन के लिए, वाह। मैं गई थी केवल ये पर्दे चेंज करने, मुझे पता ही नहीं चलता, मैं जाती हूँ कुछ एक चीज लेने या चेंज करने और ज्यादा लेके आ जाती हूँ। ये पर्दे भी मेरे चेंज हो गए थे, फोन में टेम्पर नहीं गलाया गया। और एक ये साड़ी लाई हूँ, ये मैं पहले भाभी आई थी ना, मैंने उनको खोल खोल के दिखाया था। और एक चीज और लाई हूँ, वो कवर कहाँ गया बाबू, मुझे क्या पता। ये साड़ी कैसी लग रही कमेंट करके बताना। ये बनारसी पैटर्न चले, इस कलर की मेरे पास साड़ी भी नहीं है रियलिटी में, तो फिर मैं ये एक साड़ी लेके आई। घूंघट तेरे गोरी गोरी गोलगप्पा, अच्छी लग रही है ना। और एक चीज है दिखाती हूँ, दोनों को बुखार है, वो सो गया लेकिन ये इसको अभी फोन दिख रही है। हेलो करो मेरे दोस्तों को, इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। आज मैं बच्चों के लिए कुछ नहीं लाई थी, बच्चों के लिए कल ले आई थी, चले मेरी शॉपिंग हो जाए, थक गई थी मैं आज, इतना सारा मेरा हाथ ऐसे दर्द हो रहा था कुछ। और ये मैं लाई हूँ, ये कुर्सी वर्सी जा रखती हूँ मैं, वहाँ पे डाल के अच्छा लगता है मेरे को नीचे। हाँ कारपेट जो भी हो, चद्दर हो ले जाता, बैल बैल बुद्धि है। बैल बुद्धि ये बैल बुद्धि है, और अच्छा लग रहा है बाबू। ये तो सोने के लिए बढ़िया है, सिंगल बेड पे। इसको कितने की है? हां कितने की है? बस 300 रुपए की है, 300 रुपए की, ज्यादा नहीं, बस 300। तो हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे लगते तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय गुड़िया। कैसा लगा, क्या अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना।